यार पता है क्या है, मैं ना एक्चुअली स्कूल टाइम से फुटबॉल वगैरह बहुत खेल रहा हूँ, तो उस वजह से मेरे को ना थोड़ा सा जिम विम करने का रहता है, क्योंकि मेरे को जब तक थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी ना करो तो मेरे को ठीक से नींद नहीं आती। जी हाँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ बैंगलोर में आए हुए, और आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, यानी इंडिया के सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं ना वो बैंगलोर में ही शुरू हुए। बहुत सारे फेमस स्टार्टअप्स जैसे कि रेजरपे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप जो टीवी में ऐड देखते हैं BNPL's के, बहुत सारे स्लाइस वगैरह, वो सारे स्टार्टअप बैंगलोर के ही हैं। आप तो बैंगलोर में इतना बढ़िया इकोसिस्टम बना हुआ है स्टार्टअप्स के लिए, तो बैंगलोर में मैं भी एक स्टार्टअप के लिए काम कर रहा हूँ। स्टार्टअप का नाम है स्टार्टअप का नाम अभी नहीं बताऊंगा। हम लोग जो है आपकी जो रेमिटेंसेस आती है ना बाहर से, मतलब जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम पे, जो एक्सपोर्ट के टाइम पे बाहर से आपके बाहर से आप पैसा मंगवाते हैं, इंपोर्ट के टाइम पे आप बाहर पैसा भेजते हैं, वो सारा प्रोसेस जो है वो डिजिटल कर रहे हैं। और जो आप लोगों का पता है कि बैंक में ट्रांजेक्शन लगता है, FX मतलब जो करेंसी कन्वर्जन वगैरह आप लोगों ने सुना होगा अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, तो उन सारी चीज़ों को खत्म कर दिया है ऑलरेडी। बहुत सारे सही सही बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ काम कर रहे हैं, और क्या क्या है सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ जो आप लोगों का RBI ने अभी रिसेंटली रुपी का इंट्रोडक्शन किया है इंटरनेशनल ट्रेड में, इंडियन ट्रेडर्स कैन नाउ सेटल देयर बिजनेस इन रुपीस, पूरा समझाने वाला हूँ बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही मस्त वे में। पहले मैं आप लोगों को तो ये बता दूं कि RBI की तरफ से एक बहुत मेजर अपडेट आया है, जो मुझे लगता है कि गेम चेंजर होने वाला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रुपी का यूज़ करने के लिए। आप लोगों ने ऑलरेडी सुन ही लिया होगा, हर तरफ यही न्यूज़ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को RBI के बारे में बता दूं कि RBI का जो नोटिफिकेशन है एक्चुअली कहता क्या है, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और क्या आपको जानने की जरूरत है। अब आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए इंडियन रुपीस का यूज़ कर सकते हैं। RBI के रिसेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री के साथ रुपीस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि बायर प्रोडक्ट्स खरीद के पेमेंट्स करेगा या नहीं, क्योंकि अगर आपके बायर को रुपीस में ट्रांजैक्शन करना है तो उसका किसी ऐसे बैंक में अकाउंट होना जरूरी है जिस बैंक का इंडियन बैंक्स के साथ वस्त्रो अकाउंट हो। वस्त्रो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है योर, हमारे केस में योर अकाउंट। इस मैकेनिज्म के अंडर आप एक्सपोर्टिंग कंट्री या इंपोर्टिंग कंट्री के बैंक का इंडियन बैंक्स के साथ अकाउंट होगा, और इसी अकाउंट को वस्त्रो अकाउंट कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी रशियन बायर को एक्सपोर्ट करते हैं और उसका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ रशिया में है, और उस बैंक का इंडिया में SBI के साथ वस्त्रो अकाउंट है, तो आपको SBI के थ्रू पेमेंट मिल जाएगी, और इंपोर्ट के केस में यही ट्रांजेक्शन रिवर्स हो जाएगा। इसके अलावा ब्रॉडर टर्म्स में देखें तो ये मैकेनिज्म एक गेम चेंजर हो सकता है डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करने में और हमारे ग्लोबल ट्रेड की रीच को और बढ़ाने में। इनिशियली हम अपने 30 से 36 बिलियन USD के ट्रेड को INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम फिर से ट्रेड कर पाएंगे रशिया, ईरान और श्रीलंका जैसी कंट्रीज के साथ, जो आज की डेट में ग्लोबल इकोनॉमिक सैंक्शन और एड को फेस कर रहे हैं। बैंगलोर में अभी यहीं पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसके अलावा अपना ना ऑफिस एक मुंबई में भी है, जहाँ पे सारा कॉर्पोरेट टीम और सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम वगैरह बैठते हैं। बाकी कुछ लोग रिमोटली काम करते हैं केरला से, कोई बंदा गुजरात में है, तो रिमोटली भी काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं। मेजरली सारे लोग जो अपना मुंबई वाला कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ बैठ रहे हैं, और बाकी यहाँ पे हम दो चार लोग जो है वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कहाँ बैठता हूँ। सो ये हमारा मतलब अपना स्टार्टअप है इस टाइम पे। अब आप लोग पूछेंगे कि स्टार्टअप कौन सा है, क्या करते हैं, तो मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया कि हम लोग जो है आप लोगों का जो पैसा आता है ना बाहर से, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं, तो अगर आप लोगों को पता नहीं तो इंडिया में ना दो तरह के मेजरली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं। एक होता है सर्विस एक्सपोर्ट, एक तो गुड्स एक्सपोर्ट यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। तो सर्विस एक्सपोर्ट और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट दोनों में ही आप लोगों को पैसा भेजना पड़ता है या पैसा बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो वो पैसे को जो है रेमिटेंस कहते हैं, इनवर्ड रेमिटेंस और आउटवर्ड रेमिटेंस। तो उस रेमिटेंस में ना जब आप जो ट्रेडिशनल वे होता है बैंक के थ्रू या किसी भी और PayPal वगैरह के थ्रू, तो उसमें क्या होता है काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, कमीशन फी बहुत सारा होता है, तो उसको हम डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स के साथ टाइप कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, और प्लेटफॉर्म का नाम है एक्सिम्पे। जी हाँ, एक्सिम्पे, आप गूगल पर जाकर एक्सिम्पे लिखेंगे तो आप लोगों को पूरी कंपनी डिटेल पता लग जाएगी। और अभी जो हमारा वेबसाइट है वो भी इन्वाइट ओनली है, हम लोगों ने इसको ओपन टू ऑल नहीं कर रखा है। प्लेटफॉर्म आप प्रॉपरली इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंटेशन स्टोर कर सकते हैं। आप क्या होता है ना, जब भी आप गवर्नमेंट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो 5 साल 10 साल बाद भी गवर्नमेंट आपको कोई डिमांड रेज करके आप लोगों को कि भाई 5 साल पहले ये आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये प्रॉब्लम थी, मेरे को इसका ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो उस केस में भी हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी जो है वो सारा का सारा ऑनलाइन स्टोर रहने वाला है, आप कभी भी फ्यूचर में इसको एक्सेस कर सकते हैं।
गूगल करिए और देखिए कि क्या है, और अगर आप लोगों को रजिस्टर करना है तो हमारी वेबसाइट पे जाकर इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं। और वीडियो में अब तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं एक तरह के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।